जम्मू कश्मीर में बालिकाओं का जबरन धर्मांतरण को लेकर हिंदू जागरण मंच और सिख समाज के पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार श्रीमन सिंह कुशवाहा को राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दो सिख बालिकाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, इससे पता चलता है कि जिहादी धर्मांतरण की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है। इसमें भी सबसे आश्चर्य की बात यह है कि संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसका जरा भी इन जिहादी परस्त धर्मांतर लोगों को नहीं है, जिससे पता चलता है कि ये लोग भारतीय संविधान से अबद्ध कानूनों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं और जिहादी मानसिकता से ग्रस्त रहते हुए आज भी घाटी को पूरी तरह से हिंदू एवं अन्य धर्मों के लोगों से खाली करा देना चाहते हैं। हिंदू जागरण मंच इनकी इस धर्मांध सोच का विरोध करता है और आपत्ति दर्ज कराता है। जो ये कृत्य किया जा रहा है वो सीधे तौर पर भारत की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है। कश्मीर पंडितों ने घाटी छोड़ दी है। करोड़ों के मालिक कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर है। इसी तरह आज भी अन्य धर्मों एवं शांति प्रिय लोगों का ध्यान एवं आतंकियों के द्वारा हिंसा के बल पर बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए धर्म स्वतंत्र कानून को संपूर्ण भारत में लागू किया जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में जो सिख समाज की जो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और अदर स्टेटों में भी जो अन्याय हो रहा है उनके प्रति हमारी सहानुभूति के लिए और शासन से निवेदन है उनके खिलाफ। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।